दोस्तों, अगर आपके पास पीएफ अकाउंट है और उस अकाउंट में अगर आपके पास कोई भी पैसा है, उस अकाउंट को अगर पीएफ विड्रॉल को आप पूरा फुल सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में आपको ए टू जेड बताऊंगा कि कैसे आप पीएफ अकाउंट का जो पैसा है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें ए टू जेड आपको प्रोसेस बताऊँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें कैसे आपको विड्रॉल फॉर्म आपको विड्रॉल करना है, पेंशन फॉर्म होता है, इसमें दो तरह के फॉर्म होते हैं। इन दोनों फॉर्म को अगर आप चाहते हैं फुल सेटलमेंट करना अपने पीएफ अकाउंट को अपने बैंक अकाउंट में, तो इजीली आप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे आप पीएफ विड्रॉल को पूरा फुल अपने बैंक अकाउंट में सेटलमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपका यूएनए और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन हो जाना है। और लॉगिन करने के बाद क्या तीन चीज है जिसको ध्यान रखना। कभी-कभी होता है कि हम अपना पीएफ विड्रॉल फुल सेटलमेंट करते हैं और हमारा पीएफ क्या हो जाता है, वो फेल्ड हो जाता है, वो हमारे बैंक अकाउंट में नहीं होता है। तो किन कारणों की वजह से होता है इसकी भी मैं चर्चा करूंगा और आपको पूरा फुल सेटलमेंट करके दिखाऊंगा। तो जो तीन तरीका है आपको अपने जा करके चेक करना है, सबसे पहले मैनेज पे चले जाएंगे और अपना केवाईसी, यानी आपको अपना केवाईसी चेक कर लेना है कि आपका केवाईसी यहाँ पे है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टेटस में देख लीजिएगा, अप्रूव होना चाहिए। अगर आपका केवाईसी जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट और आपका बैंक और आपका पेन, ये आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पे शो करेगा मेरा केवाईसी यहाँ पे अप्रूव है, आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे अगर अप्रूव नहीं होगा तो अप्रूव पहले करा लेंगे। ये कैसे होता है, ये जो भी आपके इंप्लॉयर होते हैं वहां से ये इनको डीएससी के माध्यम से अप्रूव करते हैं बैंक को, तो आप उनको बोल करके अप्रूव करवा सकते हैं। सबसे पहले बैंक और पेन अपना देख लीजिएगा, ई केवाईसी आपका अप्रूव है कि नहीं। अब यहाँ पे दूसरा काम आपको करना है कि यहाँ पे मैनेज पे जाएंगे और मार्क एग्जिट पे आपको चले जाना है, मार्क एग्जिट पे। और यहाँ पे देखेंगे कि आपने जो जिस कंपनी में काम किया है ये आपने मार्क एग्जिट किया हुआ कि नहीं। यहाँ पे रीजन आपको बताना है, आपको यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट दिखाना है, बताना है कि आपने इस कंपनी से एग्जिट किया है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट आपको देख लेना है। अगर नहीं किए हैं तो सिंपल सा यहीं से होता है, यहाँ पे जाइए मार्क एग्जिट पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, आप यहाँ से मार्क एग्जिट करके यानी इस कंपनी से आप निकल जाएंगे। तो आपको मार्क एग्जिट अपना चेक कर लेना है कि डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग है और डेट ऑफ जो एग्जिट है। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरा है, डेट ऑफ एग्जिट है यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये डेट ऑफ एग्जिट होना चाहिए यहाँ पे। और तीसरा काम क्या करना है, अपना जो होम पे जाना है यहाँ पे और अपना प्रोफाइल चेक कर लेना है। आपका जो भी प्रोफाइल होगा इसको आपको जा करके यहाँ पे पूरा चेक कर लेना है। कहीं पे आपने फोटो नहीं लगाया तो फोटो लगा लेंगे, सारा नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, सारा अपना एड्रेस वगैरह, ये सारा चीज आपको एक बार चेक कर लेना है। ये तीन चीज आपको चेक करना है पूरा प्रॉपर, अपने आधार कार्ड से मैच करा लेना है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे एडिट का बटन है, एडिट करके एडिट कर लीजिए। एडिट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पीएफ विड्रॉल करना है। देखिए पीएफ विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे चले जाना है और यहाँ पे देखिए क्लेम फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म 38, 39, 10C और 10D का आता है, तो इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर बोला जाता है कि आपका जो अकाउंट नंबर है ये कौन सा है, तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। और डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाइड वाले बटन पे सिंपल सा आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे वेरीफाइड का बटन मिलेगा, इस पे आपको वेरीफाइड वाले बटन पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे देखिए मैंने अकाउंट नंबर डाल के और वेरीफाइड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा क्या आप कंफर्म हैं, यस। तो यहाँ पे यस वाले बटन पे आपको सिंपल से क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका अकाउंट नंबर वेरीफाइड हो जाएगा, सारा चीज ऑटोमेटिक ले लेता है। और लेने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे आपको सिंपल से क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सारा चीज आपका दिखा देगा, ये जो आपने डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। और यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे आपको सिंपल से क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहेगा किस कौन सा फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ पूरा फुल सेटलमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म अपना फॉर्म पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 आपको करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा 10C कैसे करेंगे, दोनों प्रोसीजर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले फॉर्म 19 को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे यस वाले बटन पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये आपको ऑप्शन आता है, यहाँ पे विड्रॉल फॉर्म, यहाँ पे आपको अगर आप विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको 15G जो फॉर्म है इसको अपलोड करना पड़ता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना है, 15G का मतलब क्या होता है जान लीजिए। अगर आपका इनकम 50,000 से ज्यादा है और सर्विस पीरियड 5 साल से कम है तो फॉर्म जो 15G है उसको भरना होता है। इसमें आपको 10% का डिडक्शन होता है। अगर आपने जो इनकम टैक्स 5 लाख से अगर ज्यादा आप इनकम नहीं कर रहे हैं तो ये फॉर्म आपको भरना है, यानी आपका विड्रॉल 50,000 से ज्यादा होगा तो इस फॉर्म को आपको भरना है, नहीं तो आपको इस फॉर्म को भरने की कोई जरूरत नहीं। तो आप अपना विड्रॉल देख लीजिएगा कितना आपका जो पीएफ है, पीएफ बैलेंस कितना बचा है उसके हिसाब से ही आपको लगाना है। तो आपको इसको फॉर्म को लगाने के लिए यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ से आपको फॉर्म को सेलेक्ट कर
लेना है, और नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा इस फॉर्म को। एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, इस फॉर्म को आपको भरना है, खुद से ही भरना है, भरना है, भरने के बाद इसको स्कैन करके और इसको अपलोड करना है। इसमें क्या कंडीशन है, अगर 50,000 से ज्यादा आपका इनकम है, 50,000 से ज्यादा विड्रॉल कर रहे हैं और आपका इनकम 5,00,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपका जो सर्विस पीरियड है वो 5 साल से कम होगा, तो इस फॉर्म को आपको लगाना है। तो अगर 50,000 से ज्यादा आप विड्रॉल करेंगे तो अगर इस फॉर्म को नहीं लगाएंगे तो आपका 10% यहाँ से डिडक्शन हो जाता है। अगर 50,000 से ज़्यादा आप नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपको इस फॉर्म को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस फॉर्म को आप लगा दीजिए तो अच्छा ही रहेगा। इसको बस मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एम्प्लॉई एड्रेस, जो आपका एड्रेस है, ये चीज़ आपको सारा यहाँ पे भरना है। तो सारा एड्रेस आप यहाँ पे भर देंगे, यहाँ पे सारा आपको एड्रेस भर देना, जो भी स्टेट्स आप बिलोंग करते हैं इस स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा इसको सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे और अपना सिटी डाल के। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपने जो भी बैंक का डिटेल दिए हैं उसका चेकबुक या पासबुक आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसकी साइज आप देख लीजिए, मैक्सिमम 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यह फॉर्मेट JPG और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे फाइल पे चूज करिए, और फाइल पे चूज करने के बाद यहाँ से डेस्कटॉप से आप, मैं यहाँ पे रखा हूँ तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए मेरा यहाँ पे पासबुक है, इसको मैं ओपन कर लूँगा, और ओपन करने के बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए आपका सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा, तो इसको आपको यहाँ पे अटैच कर लेना है और पूरा आपको एड्रेस भर लेना है। एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे टर्म्स को आपको एक्सेप्ट करना है, जैसे टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद गेट OTP पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ये OTP जाएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको OTP डालना है। जो भी आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा तो इसको OTP डाल करके वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैसेज आ जाता है। अगर आप इस PDF को देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली आपका यहाँ पे ये फॉर्म सबमिट हो गया। अगर आप इस PDF को देखना चाहते हैं क्लिक हियर पे क्लिक करके आप इस PDF को देख सकते हैं कि फॉर्म मैंने 19 को सबमिट कर दिया। ये जो भी आपने बैंक डिटेल डाले रहेंगे उसी पे आपको ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ, इसमें एक फॉर्म 10C हो गया। फॉर्म 10C के बाद आपको यहाँ पे क्लेम फॉर्म पे क्लिक करना है और फॉर्म 10C फॉर्म 10D आपको भरना होता है। तो फिर आपको यहीं पे ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है और फॉर्म 10D पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म पे चले जाइएगा और क्लेम फॉर्म पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपना अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आपका अकाउंट नंबर रहेगा इसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है, फिर वेरीफाइड वाले बटन पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है अपना अकाउंट नंबर डाल के। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट मैं डाल के आपको वेरीफाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे आप वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा अंडरस्टैंड का, यस पे आपको सिंपल सा क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका अकाउंट नंबर वेरीफाइड हो गया, और वेरीफाइड होने के बाद यहाँ पे प्रोसेड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको फॉर्म 10 दोबारा से आपको क्या करना है, यहाँ पे पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको फिर यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देना है। और फिर यहाँ पे फिर आपको ये जो चेकबुक का कॉपी है इसको आपको यहाँ से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे जा करके मैं अटैच कर लेता हूँ, यहाँ पे जो मेरा चेकबुक है पासबुक है इसको मैं यहाँ से ओपन करके, और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रीव्यू आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको अपलोड करना है, पूरा आपको एड्रेस भर देना है। फिर एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, जैसे टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे फिर गेट आधार OTP पे आपको क्लिक कर लेना है। सारा डिटेल भरने के बाद गेट आधार OTP पे आपको सिंपल सा क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके फिर आधार पे एक OTP जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर OTP डालना है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, और फिर आपको यहाँ पे OTP डाल के वैलिडेट OTP पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आधार पे फिर एक बार दोबारा OTP जाएगा, इस OTP को आपको डालना है यहाँ पे, और डालने के बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे आपको सिंपल सा क्लिक। यहाँ पे देखिए मैंने OTP सेलेक्ट कर लिया, वैलिडेट OTP एंड सबमिट फॉर्म पे आपको जैसे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सारा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा फुल सेटलमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप पेंशन जो विड्रॉल किए हैं यहाँ पे सारा चीज देख सकते हैं, यहाँ पे सारा आपको शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको शो करा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर ले रहा हूँ, सेव कर ले रहा हूँ, तो आप इसको सेव कर लीजिए और सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देना है। ये देखिए आपका फॉर्म 10C सबमिट हो गया। तो इस तरह से सारा फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं, दोनों फॉर्म यानी फुल सेटलमेंट पे आपको फॉर्म 19 और फॉर्म 10C को सबमिट करना होता है पेंशन विड्रॉल का। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया, आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया। आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।